Hello everyone, how are you? I hope you are fine. Welcome back to Blueprint Digital. My name is Kanupriya, your English dost. सबसे पहले मैं आपसे दो बातें कहूँगी कुछ भी शुरू करने से पहले, वो ये हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं देन डू प्रेस द बेल आइकन बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट एवरी सब्जेक्ट्स वीडियो, एवरी लेसन विल बी कवर्ड हियर इन द मोस्ट इन्फॉर्मेटिव वे. So don't forget to do that. Second thing, जब भी आप मेरी क्लास अटेंड करें मैं आपको एक बात हमेशा बोलती हूँ, sit with your pen and notebook so that you can write the bulletins or you can say the important keywords, the key lines, and I also give you introduction about the chapter so that you have the entire information I am covering through this video. So let us begin without any delay. Today we are going to study Part 3rd from Glimpse of India, that is Tea from Assam, written by Arup Kumar Datta. So, जैसे कि नाम है chapter का Tea from Assam, so Tea from Assam मतलब चाय. Tea means चाय, पर यहाँ पे basically tea की बात हो रही है. चाय तो है ही, साथ में tea leaves की बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है, तो हम chapter का introduction देख लेते हैं. As the title suggests, Assam is popular for its tea plantation. Our line कहती है Assam's popularity for its tea plantation has been discussed. एक ही चीज है, Assam is known as a tea country. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा plantation होती है tea की. ठीक है, हमारी country में, world में सबसे ज्यादा tea की plantation और रिच क्वालिटी की टी असम में मिलती है. ऑल्सो तो यहाँ पे दो फ्रेंड्स हैं, राजीव एंड प्रांजल, बोथ आर बेस्ट फ्रेंड्स. सो एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के घर जाता है, कौन जाता है ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी. उनके बीच में एक डिस्कशन होता है और जब असम पहुंचकर पता चलता है तो वहाँ पे दो लेजेंड्स हैं. लेजेंड्स मींस बहुत पॉपुलर कहानियाँ हैं. किसको लेकर? टी की डिस्कवरी को लेकर, जो ये बताती हैं कि टी कैसे डिस्कवर हुई थी. सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट. सो द चैप्टर बिगिंस वेयर बोथ ऑफ द फ्रेंड्स, दे आर टू फ्रेंड्स प्रांजल एंड राजवीर, are in a train. The train is waiting at a platform, right? अभी train platform पे रुकी हुई है और तभी tea seller आता है. ठीक है, आपने देखा होगा वो चाय गरम गरम चाय से बोल रहे होते हैं station पे, तो बिल्कुल इसी तरीके से चाय बेचने आते हैं window पर ही. तो प्रांजल कहते हैं give us two cups, दो कप चाय दे दो, और compartment में जितने लोग बैठे हुए थे सब ने चाय पी, क्योंकि चाय क्या है, चाय के बिना हमारा दिन अधूरा है, हमारी जिंदगी अधूरी है. वी आर डाई हार्ड टी लवर, है ना, डाई हार्ड फैंस ऑफ टी. सो यहाँ पे भी वही हुआ, दोनों ने चाय ली. तो इसी बात पर राजीव पूछता है प्रांजल से, क्या तुम्हें पता है कितने कप चाय पी जाती है पूरे वर्ल्ड में एक दिन में? 8 करोड़ कप ऑफ टी are consumed by people, cups of tea are consumed by people all over the world in a day. तो वो हैरान हो जाता है और बोलता है बहुत पॉपुलर है चाय, और बहुत पॉपुलर है भी. हम गेस्ट के सामने कोल्ड ड्रिंक और चाय पूछेंगे तो मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफर ऑप्ट फॉर चाय, चाय चलेगी. ठीक है, हम ऐसे भी बोलते हैं आओ जरा चाय पर बात करते हैं, तो चाय पर चर्चा भी है. तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम सीरियल्स के नेम भी हैं, सीरीज़ के नेम भी हैं, तो चाय बहुत इनएविटेबल पार्ट है हमारी लाइफ का. स्टोरी में आगे चलते हैं तो हमें पता चलता है कि अभी तो वो दोनों चाय पी रहे थे, जब चाय पी ली अच्छे से मज़ा ले लिया सबने कंपार्टमेंट में चाय भी पी, ट्रेन उसके बाद चल पड़ती है स्टेशन से. पुल्ड आउट लिखा है, पुल्ड आउट मीन्स स्टेशन से चल देती है ट्रेन. और दोनों ही दोस्तों को डिटेक्टिव बुक्स बहुत पसंद है पढ़ने के लिए, दोनों ही बहुत कीन रहते हैं डिटेक्टिव बुक्स के बारे में, इसलिए
प्रांजल ने तो सीधा, जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हुई, सीधा वो डिटेक्टिव बुक पढ़ने बैठ जाता है. बट राजीव के लिए आज ये मोमेंट स्पेशल था. क्यों? क्योंकि खिड़की के बाहर जो वो, ट्रेन की खिड़की के बाहर जो वो व्यू देखता है, इतना ग्रीन व्यू था, इतना ग्रीन एक्सपांस था कि उसने आज तक अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा था. इसलिए उसने अपनी डिटेक्टिव बुक पढ़ना अभी प्रेफर नहीं किया. व्हाट ही चोज वाज टू सी एट द सीनिक ब्यूटी ऑफ ग्रीनरी दैट वाज लेइंग अक्रॉस एवरीवेयर. मींस जहां भी उसकी नजर जाती थी वहां तक उसे ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिख रही थी. तो ये मोमेंट उसके लिए बहुत ही ज्यादा स्प्लेंडर था. तो राजीव क्या देखता है खिड़की के बाहर कि बहुत सारी पैडी फील्ड्स हैं. शुरुआत में उसको पैडी फील्ड्स देखने के लिए मिलती हैं. पैडी मींस राइस, चावल की खेती देखने को मिलती है. और फिर उसे देखने को मिलती है टी प्लांटेशंस की छोटी छोटी झाड़ियाँ, एंड दे वर टोटली ग्रीन. तो उसकी जो ट्रेन चलती जा रही है उसका व्यू भी चलता चला जा रहा है, एंड इट वॉज सो प्लेजेंट टू लुक आउट ऑफ द विंडो. साथ ही में जो टी प्लांटेशंस थी वो कैसे दिख रही थी, मतलब दूर है, पहाड़ जा रहे हैं, वहाँ पे हिल्स हैं, पहाड़ों में से ट्रेन जा रही है घूमती हुई, और वहाँ पे उसे वो सारे हिल्स कैसे दिखते हैं, ट्री बुशेस से उगे हुए हैं. साथ में अगर उनका बैकग्राउंड देखा जाए, मीन्स एक होल व्यू देखा जाए, तो क्या था कि जो ये हिल्स थे इन पर छोटी छोटी बुशेस लगी हुई थी, और इनके साथ बड़े बड़े लाइन वाइज क्या थे, पेड़ लगे हुए थे जो कि इनको छोटा दिखा रहे थे. अब किसी छोटी चीज़ के आगे बड़ी सी चीज़ कर दो तो वो छोटे ही लगेंगे, बोने. इसीलिए वर्ड यूज़ किया गया है ड्वार्फिंग, ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ जो थे वो खड़े हुए थे, एक लाइन लगे हुए थे, बड़े थे, उगे हुए थे, एक लाइन में थे वो, और इधर ही एक लाइन में रोज में क्या थी, टी की बुशेस थी. अब जब वो हवा चलती है तो यहाँ पे हवा की वजह से टी बुशेस क्या है, वेव करती हैं, दे मूव, ठीक है. तो ये जब हिलती हैं तो उस केस में इनको फिगर्स बोला गया है. वो भी कैसे फिगर्स, डॉल लाइक फिगर्स, बिकॉज डॉल्स आर ऑलवेज मूविंग इन वन और दी अदर डायरेक्शन. तो बिल्कुल इसी तरीके से टी की बुशेस को भी बोला गया कि वो डॉल लाइक फिगर्स लग रही थी जब हवा उनके ऊपर से जा रही थी और वो लहरा रही थी. स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और आगे हमें पता चलता है क्या कि थोड़े ही डिस्टेंस पे जब ट्रेन मूव कर रही होती है, थोड़े से डिस्टेंस पे राजीव को क्या देखने के लिए मिलती है, एक पुरानी सी बिल्डिंग, एक मे बी एक फैक्ट्री है जिसमें से बहुत सारा ब्लैक स्मोक निकल के आ रहा है. थोड़ी दूरी पर उसे दिखता है एक जादू. जादू यहाँ पे है बेसिकली उसके लिए, राजीव के लिए जो ये जादू है वो ये है कि जैसे ही ग्रीन व्यू आया, और वो ग्रीन व्यू किसका था, टी गार्डन का, एक प्रॉपर टी गार्डन का, राजीव उसे देख के बहुत खुश हो जाता और एकदम बोलता है, देखो प्रांजल, टी गार्डन दिख रहा है यहाँ से. तो प्रांजल के लिए ये चीज़ बहुत ऑर्डिनरी थी क्योंकि प्रांजल इसी स्टेट का रहने वाला है. प्रांजल इज हैविंग हिज होम टाउन हेयर इन असम. तो उसके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, उसके लिए कॉमन चीज़ थी. तो उसकी एंथुजियाज्म राजीव के एंथुजियाज्म से मैच नहीं करता है ऑब्वियसली. बट राजीव ने क्योंकि ये चीज़ अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखी थी, सो इट वॉज डैम एन एक्साइटिंग मोमेंट फॉर राजीव. बहुत खुश होता है वो ये देखकर. उस प्रांजल बताता है कि तुम जो हो वो टी कंट्री में आ चुके हो, टी कंट्री मतलब असम में आ चुके हो, और यहाँ पे इतने टी गार्डन्स हैं, यहाँ पे इतनी टी बुशेस हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी बट यहाँ के गार्डन्स ख़त्म नहीं होंगे. वाई? बिकॉज असम इज़ द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड. आगे राजीव बताता है कि टी गार्डन आने से पहले, असम आने से पहले उसने टी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है. ही हैज गॉन थ्रू सेवरल मैगजीन्स और आर्टिकल्स वेर ही केम टू नो अबाउट टी एंड हाउ इट वॉज डिस्कवर्ड. तो वो कहता है कि लेजेंड्स हैं कुछ. तो वो क्या लेजेंड है, राजीव प्रांजल को बताते हैं क्या, कि एक चाइनीज एम्परर हुआ करते थे, और ये जो टेल है एसोसिएटेड है, ये चाइना से एसोसिएटेड है, जहाँ पे एक चाइनीज एम्परर हुआ करते थे. उनको गर्म पानी पीने का की आदत थी, हैबिट थी. बेसिकली मैं लव्ड नहीं बोलूँगी, यहाँ पे हैबिट बोलूँगी कि उनको हैबिट थी किसकी, गर्म पानी पीने की. तो उनके लिए स्पेशली एक पॉट में जो है पानी गर्म किया जाता था. तो एक दिन क्या होता है, एक
कुछ ट्विग्स, ट्विग्स क्या होती है, छोटी सी डाली, छोटी सी डंडी जिसपे तीन चार क्या हो लीव्स लगी हुई हो, उस छोटे से पार्ट को ऐसे ट्विग्स बोलते हैं, इस पे थोड़ी सी लीव्स हैं, ठीक है। तो एक ट्विग पानी में गिर जाती है और बहुत ही फ्लेवर देती है, किसको, पानी को दे देती हैं। तो तब से ये माना जाता है कि उस फ्लेवर की वजह से, उस अरोमा की वजह से, ये जो टी लीव्स थी, ये ट्विग्स जो पानी में गिरी थी, उसकी वजह से ये ट्विग्स क्या मानी जाने लगी, टी लीव्स, और ये वहाँ से एसोसिएटेड हैं। इन द लास्ट पैराग्राफ वी केम टू नो दैट राजीव टोल्ड अस अबाउट वन ऑफ द लेजेंड्स। सो हियर प्रांजल आस्क अनदर टेल और लेजेंड फ्रॉम राजीव, कि एक तो तुमने बता दी, चलो एक और बताओ। देन राजीव टेल्स दैट इट इज़ एन इंडियन लेजेंड, जिसमें ये माना जाता है कि टी की डिस्कवरी इंडिया में हुई है। और वो कैसे हुई, एक बोधि धर्म नाम के एक एसेटिक थे, मीन्स एक संत थे, बुद्धिस्ट संत थे। उनके साथ क्या होता था कि जब भी वो मेडिटेशन करने बैठते थे, उनको नींद आती थी। तो उन्होंने एक दिन क्या किया, अपनी आईलिड को ही काट दिया, काट कर उसे एक पौधे में डाल दिया। तो वहाँ से 10 टी लीव्स निकल कर आईं, और उससे फिर फर्दर यूज़ किया गया पानी में डालकर। तो उसमें एक बहुत ही एरोमेटिक और रिफ्रेशिंग और फ्लेवरिंग वाटर का टेस्ट हो गया। और जब इसे पिया जाने लगा, तो ये क्या माना जाने लगा कि उससे नींद उड़ जाती है। इसे बोलते हैं ना, चाय पी लो तो रात को नींद उड़ जाती है, रात को चाय नहीं पीनी चाहिए। इसी तेल की वजह से वो एसोसिएटेड है कि चाय जो है नींद उड़ा देती है। और ये एक फैक्ट है, ठीक है। लीव्स व्हेन पुट इन वाटर बैनिश स्लीप, तो ये माना जाता था कि उन्होंने अपने मेडिटेशन भंगना हो इसलिए आईलिड्स काट दी थी, उससे पत्तियाँ उग गई, और उन पत्तियों के उगने से क्या था, एक स्लीप बैनिशिंग, नींद को रोकने वाला एक लिक्विड तैयार हुआ पानी में डालकर। पानी में एक लिक्विड तैयार हुआ, और वो एरोमेटिक भी है, रिफ्रेशिंग भी है, और फ्लेवरिंग भी है। तो इस तरीके से हमारी इंडियन लेजेंड है। साथ में राजीव कुछ फैक्ट्स भी बताता है टी के बारे में। वो फैक्ट्स क्या हैं कि सबसे पहले जो चाय पी गई थी वो चाइना में पी गई थी, एंड इट वाज अराउंड इन 2700 BC, नॉट AD। इतने साल पहले चाय की डिस्कवरी हो चुकी थी वहाँ पे। इसे बहुत कॉमन नेम से जाना जाता है, जैसे चाय और चीनी। चाय तो हम लोग भी जानते हैं, वी ऑल्सो स्पीक दैट चाइनीज वर्ड चाय। यूरोप में वो कहते हैं कि बहुत बाद में गई है, यूरोपियन कंट्रीज में ट्रैवलिंग जो हुई है टी की, वो बहुत बाद में हुई है, वो हुई है लेट 16th सेंचुरी में। और अगर हम बात करें वहाँ पे यूज़ की, तो इनिशियल जो यूज़ था चाय का, टी लीव्स का, वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में करते थे एंड नॉट एज अ बेवरेज। बहुत नॉइज़ के साथ ट्रेन स्टेशन पे रुकती है, और स्टेशन का नेम है मरियानी, मरियानी प्लेटफॉर्म। अब ये वो स्टेशन था जहाँ पर दोनों फ्रेंड्स, राजीव और प्रांजल, को डीबोर्ड करना था, ट्रेन से उतरना था। वो वहाँ से उतरते हैं अपना लगेज लेकर, तो बहुत ज़्यादा क्राउड है प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दे मैनेज देयर वे टू कम आउट ऑफ द क्राउड एंड दे सी देयर पेरेंट्स, द पेरेंट्स ऑफ प्रांजल, वेटिंग फॉर देम। तो वो कार में बैठते हैं, दोनों दोस्त अपने पेरेंट्स के साथ कार में बैठते हैं प्रांचल के फादर के साथ, और वो जाते हैं कार के थ्रू कहाँ, उनका टी गार्डन देखने। फादर उनको स्पेशली टी गार्डन देखने के लिए लेकर जाते हैं, पर अभी तो राजीव के लिए व्यू इतना मैजेस्टिक था, इतना सुपर, इट वॉज वेरी मच एक्साइटिंग फॉर राजीव दैट ही वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट इन द व्यू एंड द काइंड ऑफ व्यू ही कुड सी थ्रू द कार विंडो। तो वहाँ वो ये क्या देखते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, टी गार्डन जा रहे हैं, कहाँ पे, ढेकियाबरी नाम की जगह पर। और शार्प कट लेते हैं वो सीधा मेन रोड की तरफ, और मेन रोड से कैटल ब्रिज होते हुए, ठीक है, वो अपने ढेकियाबरी नाम के टी गार्डन जाते हैं। ये वो गार्डन है जिसे प्रांजल के फादर मैनेज करते हैं। वहाँ पे उनका जो ड्यूटी है, उनको मैनेज करने का, देखने का टी प्लकिंग का प्रॉपर काम चल रहा है नहीं चल रहा, ग्रोइंग का काम प्रॉपर चल रहा है नहीं चल रहा, वो ये देखते थे। तो जैसे ही वो ढेकियाबरी नाम की जगह पर पहुँचते हैं टी स्टेट, तो उसके बाहर की जो मेन रोड है वहाँ पे क्या था, दोनों साइड ग्रेवल रोड्स या पहाड़ी इलाका है, तो क्या था,
पत्थर रखे जाते हैं जस्ट इन ऑर्डर टू मेंटेन द बैलेंस कि एकदम से कार वगैरह ना चली जाए खाई वगैरह में, तो थोड़ा एक जो रोड्स भी थी वो बिल्कुल ग्रेवल वाली थी, मोटे मोटे पत्थरों वाली थी, तो ग्रेवल रोड्स ऑन बोथ साइड। उसके बाद जैसे ही वो गार्डन में जाते हैं वो क्या देखते हैं कि टी बुशेस को बिल्कुल एक हाइट में ही रखा गया है, दे ऑल आर ऑफ सेम हाइट, एक लाइन में, एक क्यू में, बहुत मेजेस्टिकली, बहुत ब्यूटीफुल व्यू था जिसमें वो लगी हुई थी एक लाइन में। और उसने क्या देखा कि वहाँ पे टी प्लकर्स भी हैं, टी, क्योंकि वहाँ पे पत्ती कैसे ली जाती है, दे आर हैंड पिक्ड, बिल्कुल एक एक पत्ती हाथ से पकड़ी जाती है। आपने नेस्कैफे का ऐड देखा होगा जिसमें वो बोलते हैं कि खुद तोड़ा जाता है उनको पकड़, मतलब बहुत डेलिकेटली ऑब्जर्व करके उसे तोड़ा जाता है, फिर सुखाया जाता है कॉफ़ी बीन्स को, इस तरीके से कॉफ़ी बनती है। तो बिल्कुल उसी तरीके से टी लीव्स भी प्लक की जाती हैं बैम्बू बास्केट्स। और उसने राजीव ने देखा कि वो जो टी प्लकर्स हैं उन्होंने बैम्बू की बास्केट, आपने टीवी वगैरह में भी देखा होगा, देर हैविंग अ बिग बास्केट ऑन द बैक और वो लीव्स तोड़ते जाते हैं, पीछे रखते जाते हैं, है ना। तो बैक में क्या थी, बैम्बू बास्केट थी और उन्होंने एक प्लास्टिक एप्रन पहना हुआ था, एंड दे वर हैंड पिकिंग ऑल द लीव्स दैट वर मैच्योर्ड एंड वर रेडी टू बी प्लक्ड एंड यूज्ड। सो जैसे प्रांजल के फादर प्रांजल और राजीव अपने टी एस्टेट में दे वर वॉकिंग अबाउट द पाथवे और बात कर रहे थे टी गार्डन्स के ऊपर या टी प्लांटेशंस के ऊपर, तो रास्ता वो बीच में बात करते हुए जा रहे थे, बीच में ट्रैक्टर आता है जो कि फुल्ली लोडेड था किससे, टी लीव से, एंड इट वॉज रेडी फॉर बींग यूज और सेंट टू फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। सो यहाँ पे प्रांजल जो है मिस्टर बरुआ जो है बेसिकली प्रांजल के फादर का सरनेम एड्रेस किया गया है, और वो पूछता है कि मिस्टर बरुआ ये वो सीज़न है ना जिसमें सेकेंड फेज है ना जिसमें बहुत अच्छी याइल्ड होती है, याइल्ड मीन्स आउटपुट आता है किसका, टी प्लांटेशन का, इसे लिखा गया है सेकेंड फ्लश पीरियड मीन्स बहुत अच्छा याइल्ड प्रोडक्टिव पीरियड है ये बहुत ज़्यादा किसके लिए, और ये पीरियड जो बताया गया है ये मई टू जुलाई बताया गया है जिसमें बहुत अच्छी प्लांटेशन होती है। और ये चीज़ सुनकर, क्योंकि ये चीज़ राजीव को इसलिए पता थी क्योंकि यहाँ पे आने से पहले वो काफ़ी रिसर्च वगैरह कर चुका था टी प्लांटेशंस के बारे में, टी के बारे में, तो प्रांजल के फादर को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि राजीव प्रायर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखा है उसने, और पूछते हैं कि हो सकता है शायद तुमने अपने वेकेशंस का होमवर्क पहले ही बहुत अच्छे से कर लिया है यहाँ आने से पहले। तो ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस विद दिस फैक्ट कि हाँ बच्चा अवेयर है, तो वो इस चीज़ को एडमिट भी करते हैं, हाँ ये सेकेंड फेज़ है। और प्रांजल भी उनकी बातों को जब वो सुनता है और वो फर्दर फादर बताते हैं किसके बारे में, टी प्लांटेशंस वगैरह के बारे में, तो प्रांजल को भी अच्छा लगता है व्हेन ही कम्स टू लर्न मोर एंड मोर अबाउट टी प्लांटेशन। So that is all about today's chapter. I hope you understood it completely as I wrote every bullet point, every minute point on the board so you can have the gist of the chapter very easily, and even the paragraph can be just have a picture in the mind. If you liked the explanation of the video, just give a like to it and do share it with your friends ताकि जितने अच्छे से आपने समझा है वो भी समझ सके, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो वी आर दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर, टिल देन स्टे ट्यून्ड बट सेइंग बाय बाय।